जी मेरे लिए एक सरप्राइज रखते, पता नहीं कौन आ गया। आपको कौन आ रहा है? कौन आया? नानी। नानी और नानी और नानी। मजा आने वाला है। क्या कर रहे हो सभी? मैं मैगी बना रही हूं। ओके, सभी की फेवरेट डिश है। पानी प्लीज, गैस तो जलाओ। गैस जल रही है, बंद कर दी? हाँ, बंद ही तो है। चलो मसाला डालो इसमें जल्दी से, तेल कुछ ज्यादा नहीं है, रात से नहीं होने वाला। ये हो गया। अरे यार ये गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मौसी मेरे लिए एक सरप्राइज रखते, पता नहीं कौन आ गया। प्लीज मौसी ने मना करा है। अलग रहा, आपको कौन आ रहा है? कौन आया? नानी और ना वो इतनी दूर से आई हुई, पता तुम्हें वो कितनी दूर से आई है तेरे से मिलने? मुझे नहीं रहा पता मैं क्या। नो भाई, अब तो आ गई मैं। तो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि सुश को देखने के बाद जो रिएक्शन था सभी का, वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके नानू नानी आए हैं, लेकिन उसको सुश दिख गई। वो खुश तो थी लेकिन कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। गले नहीं मिली, गले नहीं मिली, अभी मिली तो, अभी गले नहीं मिली, अभी क्या मिली? यात्रा बोलने के बाद आई। तो गाइस, मौसी तो आ गई और वो मेरे साथ साथ गिफ्ट भी लाई। तो पहला है डायरी मिल्क, डायरी मिल्क, और ये है पूरा थैला जिसमें है ये रेजर। ओह भाई यार, दुकान खोल लेगी रेजर, इतने रेजर लेके आ गई है, और ऑलरेडी हमने भी लाए हुए हैं। पेन देखिए, ओह वाह, ये तो बड़ा सुंदर पेन है यार। गुल्लक और लंच बॉक्स। नीचे भी है गुल्लू की, इतनी मौज है और उतनी गुल्लू पे मैं मेहरबानी करती हूँ। देखो ये अंदर भी कैसा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू। अब कुछ तो करते ही हो सर। पेंसिल मुझे तो लाया जो प्लान में आने के लिए। पेंसिल है? पेन है? पेंसिल है। और क्या, कितनी प्यारी लग रही है। पेन है? ये तो नहीं पहना। तोड़ मत देना तो अभी। ये मेरे लिए रख देना, ठीक है? मैं हर चीज आपके लिए, पेन भी आपके लिए। इसमें ऐसा गेम हो गया ना, देखो हार्ट कौन कौन से इसमें, ब्लू वाले तो ये और ये। इसको मैं किसके लिए यूज करूँ? क्या स्कूल में एक काम करूंगी है, इसमें मैं चिप्स रख देना और इसमें फ्रूट रख देना। चिप्स? हाँ। मैंने बोला तेरे लिए सरप्राइज है। कह रही मौसी क्या मंगाया आपने? अमेज़न से मंगाया है? मैंने कहा फिर मैं चुप रही। कह रही अच्छा ये बता दो चीज है, कौन सी चीज है? टैडी मंगाया है? कह रही जरूर टैडी मंगाया होगा। मैंने कहा नहीं टैडी नहीं मंगाया। मैंने कहा कुछ वैसे, मैंने कहा ये थोड़ा होता है सरप्राइज, वैसी चीजें होती है सरप्राइज, जैसे कोई ठीक है मैं दोबारा से अपना वो बना लूंगी स्टडी टेबल।
तो फाइनली सभी हो गई थी खुश इतने सारे गिफ्ट्स देख के जो भी सुश उसके लिए लेके आई थी। पहले तो उसका रिएक्शन ऐसे ही था कि यार ये कौन आ गया, लेकिन जब उसने गिफ्ट्स देखे तब वो बहुत खुश हो गई। और यहाँ पे देखो वो चंपी कर रही है सुश की, क्योंकि वो बहुत दूर से आई थी और उसको नहाना था, तो उसने बोला कि मासी मैं आपकी चंपी कर देती हूँ। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको गिफ्ट्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। गाइस हमने यहाँ पे सैलून वाली बुलाई है अपने फेस पैक बनाने के लिए चंडीगढ़ से। ये देखो तुम, आते ही लड़की बना रही है मुल्तानी मिट्टी का पैक जो लगाएगी खुद ये दीदी और मैं, और ये लगाएगा लगा तो आँख पे। तेरे आंख पे फिट नहीं हो रही, लेकिन पतला कर उसको एक के दो बना। मैं करती हूं, तू बैठ के। अरे ठीक सही है दीदी, लेट जाना आराम से रेस्ट कर, चिल हो जा। दे दो खीरा। अरे रुक जा, चंडीगढ़ की सस्ती पार्लर वाली। ओह नो। तो सुश के आते ही उसने हम सबके मुंह पोतने स्टार्ट कर दिए। और आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो एक्चुअली हुआ यूँ कि हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और बातें करते करते सुश की नज़र पड़ी मेरे फेस पे, और मेरे फेस पे हो रहे गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दाने। तो उसने मुझे ऐसे ही एडवाइस दी कि दीदी इस पे मुल्तानी मिट्टी लगाना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है और कुछ नुकसान भी नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही घरेलू उपचार टाइप का कुछ है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं लगा दूंगी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अभी भी तो हम लोग खाली बैठे हुए हैं, तो एक काम करते हैं अभी फटाफट से फेस पैक बनाते हैं और अभी फटाफट से अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, इससे हमारी जो स्किन केयर है वो भी हो जाएगी, और क्योंकि हम लोग खाली बैठे थे तो हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करने के लिए हो जाएगी। तो सुशी सब लोगों के फेस पे फेस पैक लगा रही थी, पहले उसने दीदी के लगाया, फिर मेरे लगाया और फिर अपने लगाया, और इसको लगाने के बाद मुझे काफ़ी ऐसे ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो आप लोग भी घर पे मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, ये नुकसानदायक नहीं है। पूरा सही से लगाया था ना मेरे चौंठे की तरफ कम लगा है? अरे यहाँ ठुड्डी पे नहीं लगा भाई, पैसे काट। तो दिन का लंच करने के बाद सुश ने बोला कि दीदी इंडिया गेट चलते हैं, क्योंकि उसको इंडिया गेट देखना था। और मैं यहाँ पे ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो फोन का स्पेस है वो खत्म हो गया था पूरी। गाइज मेरे फोन का स्टोरेज खत्म हो चुका है, मैं वीडियो। तो इंडिया गेट सिर्फ मैं और सुश गए थे क्योंकि दी और सभी को जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो देखो यहाँ पे वो शॉपिंग करके लाई है, देखते हैं क्या क्या लेके आई है। आपको दिखाती हूँ, हम लाए थे फूल, भगवान जी के लिए फूल लाए थे हम। ये ग्लू लाए हम, मेरा ग्लू वेजिटेबल की खत्म हो गया था। भिंडी लाए हैं, प्याज भी लाए हैं, टमाटर लाए हैं, आलू लाए हैं, खीरा लाए। ये है हमारी सब्जी वाली शॉपिंग। ये है पानी की बोतल जो कि मैं कल लाई थी। ये पनीर फ्रेंच फ्राइज क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मा, मैं कब से बोल रही थी मम्मा को, मम्मा मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज ला दो, तो आज मम्मी लाई गई। ये वेफर, ये साबुन, चिप्स, और साथ ही साथ हम लाए छोटी सी। तो गाइस ये हो गई है हमारी शॉपिंग ख़त्म, और अब लाई हूँ मैं और भी मज़ेदार चीज़ें हैं। चप्पल, ये चप्पल ला गई मैं, मेरी लूज आ गई थी ना। एक और चप्पल आया हम, तो आप गेस करना कौन सी चप्पल है आपके पास। सिर्फ 10 सेकंड है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट 1। ये बहुत कंफर्टेबल है गाइस, इतने सॉफ्ट हैं ये, बहुत चल रहे हैं, मतलब फ्लफी फ्लफी सा लग रहा है देखो। तो ये हमारी आज की शॉपिंग, चलो इनको बाहर निकाल कर रख देते हैं। और भी कुछ लाए थे। The next day. तो गाइस नेक्स्ट डे हो गया और आज हमें कहीं जाना था बाहर किसी काम से। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।